अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपनी YouTube चैनल AS टेक्निकल स्टूडियो में वेलकम करता हूं। और आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जो है NTS की वेबसाइट, जो कि एक अदारा है और गवर्नमेंट और प्राइवेट बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके टेस्ट जो है वो मुनक्किद करवाता है, तो उसके लिए इनविजिलेटर स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी सारी वैकेंसी जो हैं वो वहाँ पर ओपन है। और आपने जो है, सबसे पहले तो मैं आपको उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है NTS का, और ये जो है आप देख सकते हैं, चीफ सुपरवाइज़र है, रेजिडेंट इंस्पेक्टर है, टेस्ट सेंटर है, इनविजिलेटर है, फिजिकल टेस्ट सुपरवाइज़र है। ये इनकी तमाम तरह वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिटेल्स में मिनिमम बैचलर डिग्री है और यहाँ पर इंटर है, और ये रिटायर्ड आर्मी आर्म्ड फोर्सेज के जो मतलब एहलकार होते हैं ये उनके लिए। और उसके अलावा ये जो रेजिडेंट है, ये डिटेल्स आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है NTS की वेबसाइट पर जाना है, ओपन एप्लीकेशंस पर आपने क्लिक करना है। मैंने ये टैब्स इसलिए पहले से ओपन कर रखे हैं ताकि जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपने जैसे ही ओपन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सबसे टॉप पर आ रही है, डिटेल्स पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर आपने क्लिक हेयर करना है। जैसे क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, आपने साइन अप करना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, कन्फर्म करना है, डिजायर्ड पोस्ट ये वहाँ पर, यहाँ पर ये वो तमाम तर जो उस पोस्ट के ऊपर अवेलेबल है तो ये आपने कोई सा सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पासवर्ड लगाना है, कंफर्म करना है, ओके करेंगे, साइन अप करेंगे। तो जैसे साइन अप करेंगे तो यहाँ पर आपने दोबारा से लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट जो है, जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से साइन अप आपने करना है। तमाम तरह डिटेल सेम, सिर्फ पोस्ट आपने तब्दील कर देनी है, उसके बाद पासवर्ड लगा लेना, साइन अप करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो पोस्ट आपकी दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड, दूसरी दफ़ा जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की है उसका पासवर्ड जो दूसरी दफ़ा आपने सेम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही पासवर्ड दोनों दफ़ा आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के जैसे ही लॉगिन करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म का आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है, आपकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, और जो भी मतलब आईडी कार्ड की बता दूं कि आपने फ्रंट और बैक साइड की जो पिक है वो आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ एक पिक अपलोड करनी है। आईडी कार्ड की जो पिक होगी उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो है इस तरह की तमाम तरह डिटेल्स आपने लगाकर आपने उस, जैसे ही उसको आप एट द एंड आप जो है वो सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है वो आपके प्रिंट के प्रिंट का ऑप्शन देंगे, तो आपने उसको जो है वो सेव PDF कर लेना। अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो ऑन द स्पॉट आपने उसको जो है वो आपने उसका प्रिंट लेकर ओके आपने कर देना है। तो उसकी इसकी जो है चलान फॉर्म इसका कोई भी नहीं है, ये फ्री है, आपने फ्री में इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से जो है वो आप एक ही पोस्ट के ऊपर का मतलब काफ़ी सारी पोस्ट के ऊपर बारी बारी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।